Welcome to Usha Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizullah. Class 9, subject mathematics, chapter name is factorization. What we will learn in this lecture? Completing square puttings. Uski example, section C ke sawal aur MCQs karenge. So let's start. अच्छा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है? देखिए, एक बात तो तय है कि आपने इसके पिछले लेक्चर जरूर देखे, क्योंकि जब तक आपने इसके पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। उसके बाद फिर आप इस पे आएंगे, ठीक है? अच्छा, उस उन लेक्चर्स के मुताबिक अगर हम चलें तो मुझे क्या नजर आ रहा है, आपने वो लेक्चर देखे हों, नहीं देखे तो पहले देख कर आए फिर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, तो उस लेक्चर के मुताबिक मुझे क्या नजर आ रहा है, पहला किसी का स्क्वायर बन रहा है और आखिरी किसी का स्क्वायर बन रहा है। तो बेटा पहला किसका बन रहा है? ए फोर है ना, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है। आखिरी किसका स्क्वायर बन रहा है? एक्स फोर है ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है। ओके, हो गया यहां तक की बात? दो स्क्वायर बन रहे। अब फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब मिड में होना चाहिए प्लस का टू ए और बी, ऐसा ही है। ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा? पहली वैल्यू जो कि है ए स्क्वायर। बी की जगह क्या आ जाएगा? दूसरी वैल्यू जो के है एक्स स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर मौजूद था, दूसरे का स्क्वायर मौजूद था, मिड में कमी थी टू ए बी की, हमने टू ए बी बनाया। टू ए बी, जरा देखें क्या लिखा हुआ है, टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या ये टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऊपर मौजूद है? नहीं, ऊपर तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं है। अब अपने जो पिछले सवाल किए थे ना, इसके प्रीवियस से प्रीवियस लेक्चर में, वो जरूर देखा हो आपने, उस लेक्चर में जब हमने सवाल किए थे तो जो हम 2ab बनाते थे वो 2ab ऊपर मौजूद होता था, तो फिर इशू ही नहीं आता था फिर तो हमें। जो हमने इससे पहले कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल किए, पहले आपने वो लेक्चर जरूर देखा हो जिसमें परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये लेक्चर समझ में आएगा। तो उस सवाल में होता क्या था बेटा, आप ए स्क्वायर बनाते थे, आप बी स्क्वायर बनाते थे, जब मिड का 2ab लिखते थे ना तो वो 2ab ऊपर मौजूद होता था। यहाँ नई बात क्या हो गई, 2ab ऊपर मौजूद ही नहीं है। जब मौजूद नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस कैसे करते हैं, ये 2ab इसका मतलब आपने मर्जी से लिखा है, आपने ऊपर मौजूद नहीं है, तो ये क्या है 2a स्क्वायर x स्क्वायर ना, आपने प्लस किया, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 2a स्क्वायर x स्क्वायर को माइनस करोगे। अब आप कहेंगे ये वाला है a स्क्वायर x स्क्वायर कहां गया? तो बेटा ये वाला a स्क्वायर x स्क्वायर अपनी जगह पे, जरा कहानी को वापस समझा ताकि अगले सारे सवाल आपको समझ में आ जाए। क्या हो गया, पहले का स्क्वायर मौजूद था, दूसरे का स्क्वायर मौजूद था, मिड में 2ab लिखा, देखा तो ऊपर मौजूद नहीं था, तो यहाँ प्लस किया था अपनी मर्जी से, तो बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे और ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर। अब आपके पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना, ए बी और होल स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम वेरिएबल वाले हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं? तो बेटा एक में से दो जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का वन बचेगा ना, बड़े नंबर की साइन आएगी, एक दो में से एक जाएंगे तो एक बचेगा, यूं कर ले। अच्छा, पहला जब मैंने देखा तो पहला तो किसी का स्क्वायर बना हुआ ही है, किसका, पहले तो पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, क्या दूसरा भी किसी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ए एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहां क्यों नहीं कर सकते थे, यहां प्लस में है, प्लस माइनस में आप इंडिविजुअल स्क्वायर को होल स्क्वायर नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड में कर सकते, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा किसके बराबर होता है, फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, और फिर क्या होगा, ए माइनस का बी, ये आपका रिजल्ट। आई बात समझ में, जरा एक और देखते हैं, क्या पहला किसी का स्क्वायर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, किसका बना हुआ है, पावर एट है ना, तो फोर लगाना पड़ेगा, फोर टू साइड। क्या आखिरी किसी का स्क्वायर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, किसका बेटा, वन किसका स्क्वायर होता है, वन का ही होता है, तो ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर मौजूद है, मिड में क्या लिखना है, टू ए बी, ए की जगह क्या लिख देंगे, पहली वैल्यू, और बी की जगह क्या लिख देंगे, दूसरी वैल्यू। जरा चेक करें क्या ये ऊपर मौजूद है, टू वन टू जेड फोर, नहीं ये तो ऊपर मौजूद नहीं है, ऊपर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब आपने अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा लिखा है, यहाँ प्लस किया है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये वाली वैल्यू अपनी जगह पे। अब क्या करें, फॉर्मूला बन गया ये, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर।
क्या वेरिएबल सेम है, प्लस माइनस हो सकता है, दो में से एक गए तो एक बचेंगे और साइन बड़े नंबर की आएगी। जरा गौर से देखें, पहले का स्क्वायर तो बना हुआ है, दूसरा भी किसी का स्क्वायर है, किसका, जेड स्क्वायर का स्क्वायर। कितना बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं, क्या पहले का स्क्वायर मौजूद है, क्या दूसरे का स्क्वायर मौजूद है, तो वही वाला काम करते हैं। पहले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मौजूद है, दूसरा किसका स्क्वायर है, टू वाई का। अच्छा, ये सवाल में मिसप्रिंटिंग है, दैट इज पावरफुल। तो अगर पावर फोर है और आपने बाहर टू रखा है तो अंदर भी टू रखना पड़ेगा ना। अच्छा, मिड में कमी किसकी होती है, टू ए बी की, तो टू लिखा ए और बी, ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा टू वाई स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये जो आपने बीच में लिखा ये तो ऊपर मौजूद ही नहीं है। बेटा अगर ऊपर मौजूद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा ना, अपनी मर्जी से लिखा है। क्या लिखा है अपनी मर्जी से, टू टू जो फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो अपनी मर्जी से लिखा है बैलेंस करें, प्लस किया था तो फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये किसी का स्क्वायर है क्या, देखें हाँ बिल्कुल है, टू एक्स वाई का स्क्वायर है। तो एक और फॉर्मूला बन गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, दैट इज योर आंसर। अगला सवाल भी सेम है, क्या सवाल है अगला, अगला सवाल हमारे पास है, पहला किसका स्क्वायर है, 36, सिक्स एक्स जेड, लेकिन पावर तो फोर है तो दो अंदर दो बाहर, टू टू द फोर हो जाएगा। क्या ये भी किसी का स्क्वायर है, ये बिल्कुल है, थ्री वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। मिड में कमी किसकी होती है, टू ए बी की, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और बी की जगह क्या आ जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर। तो अपनी मर्जी से लिखा, ऊपर तो मौजूद ही नहीं है, क्या अपनी मर्जी से लिखा है, टू सिक्स जै ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जै 36, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो ऊपर मौजूद ही नहीं था, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने प्लस किया था ना तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस, ये किसी के स्क्वायर बन रहे हैं, हाँ 36 होता है सिक्स का, अगर नहीं बन रहा तो फिर छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है, ए ए लिखा फिर प्लस का क्या बी, फिर क्या करेंगे, फिर से ए लिखेंगे और फिर क्या आ जाएगा, पिछली बार प्लस का बी था, इस दफा क्या हो जाएगा माइनस का बी। ये आपका आंसर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस। इस तरह के सवाल सेक्शन बी में आ सकते हैं, देखते हैं जरा। अब लॉजिक जब समझ में आ जाती है ना, फिर आप सवाल देखते ही कह रहे होते, हाँ ये तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, बड़ा आसान। क्या तरीका बेटा, पहला किसी का स्क्वायर बना हुआ है, किसका, बी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर दूसरा किसका बना हुआ है, वन किसका स्क्वायर होता है, वन का ही होता है, मिड में कमी होती है टू ए बी की, तो बेटा ए की जगह क्या आ जाएगा बी स्क्वायर और बी की जगह क्या आ जाएगा वन, ये बना टू वन जै टू बी स्क्वायर, तो टू बी स्क्वायर तो ऊपर मौजूद ही नहीं है, अगर मौजूद नहीं है तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस किया था माइनस करना पड़ेगा, और पहले से क्या मौजूद है जो लिखा नहीं है अभी तक, ऊपर ये वाला बी स्क्वायर तो लिखा ही नहीं था अभी तक। क्या बना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, सही लिखा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम वेरिएबल है बेटा, बड़े नंबर की साइन आएगी, दो में से एक जाएगा तो बचेगा एक, तो बना बनाया फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, सही लिखा है ना मैंने,
ए पे स्क्वायर है और माइनस बी पे स्क्वायर है, यानी कि ये जो है ना, ये बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी ए माइनस। जी भाई, इसी मेथड पे सवाल होगा अगला भी। ए की पावर कितनी कर दोगे अंदर? 4 करोगे तो 2 आएगी ना बाहर। एक्स की पावर भी कितनी करनी पड़ेगी? 4 करेंगे तो 2 बाहर आएगी। तो बीच में फॉर्मूला क्या होता है, 2ab। बेटा ए की जगह क्या आ जाएगा, a4, और बी की जगह क्या आ जाएगा, x4। क्या ये 2a4x4 ऊपर मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं है, तो बैलेंस करें। प्लस किया था तो माइनस भी करें, और ये प्लस का ये वाली वैल्यू ना, a4x4 अपनी जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक में से 2 गए, वही वाली बात, बड़े नंबर की साइन आएगी और एक वैल्यू बचेगी। क्या दूसरा किसी का स्क्वायर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, पहला तो बना हुआ, दूसरा कैसे बनेगा? पावर 4 है ना, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करें, फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ए प्लस बी, और फिर क्या होता है, ए माइनस बी, दैट इज योर आंसर। सेम सवाल, बहुत सारे किए इस तरह के सवाल। अब तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो को रोककर खुद सवाल करने चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि आपके सवाल सही है या नहीं। पहला किसी का स्क्वायर बन रहा है बेटा, 2t² का स्क्वायर बन रहा है। 625 किसका स्क्वायर होता है, कैलकुलेटर से चेक कर लें। 625 का रूट निकालें, आपको पता चल जाएगा 25 का स्क्वायर होता है। मिड में किसकी कमी होती है बच्चों, 2ab, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 2t², और बी की जगह क्या आ जाएगा, 25। ये जो आपने लिखा है ये तो ऊपर मौजूद ही नहीं, क्या लिखा है ये, 2 to the 4, 425 से 100t², अब ऊपर तो है ही नहीं। जब नहीं है तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या ये किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है, 10t का। 100 किसका होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला बन गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। इसी तरीके से पहला किसका स्क्वायर मौजूद है, 2t², सेम ही है तो ये वाली बात। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 2ab, और यहाँ पर दूसरा किसका स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही होता है। a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2t², b की वैल्यू कितनी है, 1, 2 to the 4, 4t² क्या ऊपर मौजूद है, 4t² नहीं मौजूद, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, प्लस किया था माइनस भी करेंगे। क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सही लिखा है ना, किसका स्क्वायर है ये, 2t का। तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज योर आंसर। अच्छा, इसके एमसीक्यूज भी इसी तरीके के आते हैं, देखते हैं जरा। x4 + 64 कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर मतलब फॉर्मूला बन जाए। तो बेटा पहला किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और 64 किसका होता है, 64 होता है 8 का। किसकी कमी होती है, 2 a की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और b की जगह क्या आ जाएगा, 8। वो कह रहा है मैं क्या ऐड करूं, वो फैक्टराइज करने को नहीं कह रहा कि जी हमने प्लस किया है तो बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ऐड करना पड़ेगा, जो मिड में वैल्यू है ना, किसकी कमी है, बेसिक किसकी कमी है, 2 8 16 x² तो इसका मतलब 16 x² अगर इसमें ऐड होता तो ये कंप्लीट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। सेम मेथड पे आपसे कह रहा है क्यू की वैल्यू बताएं, तो वही फॉर्मूला के हिसाब से देखें, पहला आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, फिर होता क्या है, 2ab होता है, और फिर प्लस का क्या दिया हुआ है, q। तो a की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, a की वैल्यू तो आपको x नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ कुछ ऐसा पुट करना है
दूसरे ब्रैकेट में कि क्या बन जाए, क्या बन जाए, 16। तो 2 8 से 16 बनेगा ना, 2 8 से 16 x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 8 रखूंगा तो यहाँ क्यू थोड़ी होगा, यहाँ पर फिर क्या होगा, बी का स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। देखें ए स्क्वायर मौजूद था तो ए की वैल्यू तो यहाँ से लिख दी, मैंने देखा 16 x है तो दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपने कहा 8 2 8 से 16 होता है, तो अगर आप यहाँ 8 रखेंगे तो यहाँ भी तो 8 का स्क्वायर होना चाहिए ना। वो कह रहा है क्यू की जगह क्या होना चाहिए, 8 का स्क्वायर। क्या 8 का स्क्वायर आंसर में दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर मतलब 64 ही तो होता है। फिर वैसा ही सवाल कि भाई पहले का स्क्वायर तो मौजूद है, प्लस का क्या होता है, 2 ab और प्लस का बी स्क्वायर, ए की जगह तो एक्स आ जाएगा। मैं दूसरे ब्रैकेट में क्या रखूं कि ये बन जाए, क्या रखूं, 2 रख दूं ताकि 2 2 4 बन जाए, जब यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा बी की जगह, तो बेसिकली एम की जगह क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर। तो देखिए आंसर में 2 का स्क्वायर मौजूद है, 2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो स्क्वायर रूट तब मिलेगा जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। चलो निकालते हैं, ए का स्क्वायर, अच्छा लास्ट भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है बेटा, 2 c का स्क्वायर, मिड में कमी होती है 2 ab की, ए की जगह ए आएगा और बी की जगह 2 c आएगा, ये बनेगा। अच्छा चेक कर ले जरा, 2 to the 4 ac, हाँ 4 ac मौजूद है, तो a+b का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसका रूट निकालना है ना, रूट निकालने का मतलब इस पर रूट लगाना है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a+2 c। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया प्लस माइनस, तो याद करें जरा चैप्टर 3 पढ़ा है अपने, जब भी रूट से वैल्यू बाहर आती है प्लस माइनस दोनों में लिखी जाती है, फिर वही परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात। तो पहला किसका स्क्वायर है, पहला है 7 y का स्क्वायर, फिर प्लस का क्या होता है, 2 ab होता है ना बेटा, ए की जगह क्या आ जाएगा, 7 y, बी की जगह क्या आएगा, देखिए 14 y पूरा करना है, तो 2 7 14 y तो पूरा हो गया, फिर क्या लिखूं यहाँ पर, 1 लिखना पड़ेगा, जब यहाँ 1 लिखूंगा तो यहाँ भी 1 आएगा, तो हमें ऐड क्या करना है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर वही वाली बात, पहले का स्क्वायर मौजूद है 2 ab प्लस 25, किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह 5 आ जाएगा। वो कह रहा है बी की वैल्यू बताओ, बी एक्स, एक्स पहले से दिया हुआ उसने, आप 2 5 से 10 x मत कह दीजिएगा, एक्स दिया हुआ उसने, देखें सिर्फ 2 5 से क्या बताएंगे, 10 बताएंगे। अरे ये टेक्निकल बात थी पड़ी, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर तो किया, बी एक्स में से बी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 2 5 से 10 x आया ना, बेसिकली आपके पास 10 x आया, बी एक्स रखा हुआ था, एक्स एक्स ये, आपको बी की वैल्यू कितनी मिली, 10 25 x स्क्वायर, किसका है, 5 x स्क्वायर, मिड में क्या होता है, 2 ab प्लस का बी स्क्वायर, बेटा ए की जगह क्या आ जाएगा, 5 x, मुझे 40 चाहिए, तो 2 5 से 10 x तो मौजूद है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से, तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो आंसर जो आया वो 4 का स्क्वायर आया, यानी कि 4 4 16 आया। स्क्वायर रूट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, 1 is x+4, अदर इज, हम इसको अगर स्क्वायर रूट निकालें तो कह रहा है 1 x+4 आ रहा है, भाई एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है ना, दो ही आंसर आता है ना रूट से वैल्यू बाहर आने पर, तो उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, x+4 पॉजिटिव वाला दिया हुआ है तो हम माइनस वाला x+4 पर टिक करेंगे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करें तो बेटा आंसर तो इसका बनना है x+4 का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर से निकालने की जरूरत, उसने आपको आंसर तो निकाल के दे दिया ना, बस वो कह रहे हैं रूट के 2 आंसर आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक प्लस में दिया हुआ है तो दूसरा किस में आता है, माइनस में। सो बेटा होपफुली बात समझ में आ गई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।